गिर गई कुतुब मीनार गिर गई लगेगा बहुत जोर से लगेगा मतलब मजाक नहीं करना वेलकम बैक टू द चैनल। टाइम हो रहा है सुबह के 9:30 और अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हम कैसे पहुँचे गोकर्णा। मतलब मुरुदेश्वर में जो बीच पे बाइक ख़राब हुई है उसके बाद तो भाई साहब हालत ख़राब थी। मतलब जैसे तैसे गिरते पड़ते 9:30 आ गए थे यहाँ पे, लेकिन बाइक अभी भी ठीक नहीं हुई है, बाइक अभी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो आज का पहला काम होगा कि बाइक ठीक करानी है। अब मुझे ये तो नहीं पता गोकर्णा में KTM का सर्विस सेंटर है कि नहीं, लेकिन लोकल मैकेनिक को दिखाएंगे, अगर होती हुई तो ठीक है। बाकी गोकर्णा में देखने लायक है एक ओम बीच, पैराडाइज बीच और गोकर्णा बीच। तो मतलब जहाँ पे हम रुके हैं ये तो गोकर्णा बीच ही है, तो बच गई दो जगह। अगर बाइक ठीक हो जाती है तो वो दो जगह जाके एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा बहुत, और अगर बाइक ठीक नहीं होती है तो यार अपने बिल्कुल रिजॉर्ट के सामने ही बीच है तो इधर उधर क्यों जाना। अभी तो भाई साहब सो रहा है अपना, चल के उसको उठाते हैं, उसके बाद पानी में चलेंगे क्योंकि गर्मी इतनी है। मतलब सुबह 9:30 टेम्परेचर 38 डिग्रीज है, तो पता नहीं 2-3 बजे क्या होता होगा। नहीं मैं बोल रहा हूँ ऐसे आगे डाइव मारो पीछे मारो कन्याकुमारी यहाँ ना पूरे दिन बैठे रहो, बहुत ऊंची लहर है यार, ये डुबाएगा पक्का। गिर गई कुतुब मीनार गिर गई लगेगा बहुत जोर से लगेगा मंजिल मजाक नहीं। ये कैमरा बंद हो गया, वाटर प्रूफ था, अब पता नहीं ऑन ही नहीं हो रहा। चल चलते हैं यहाँ से, आ जा। ओ भाई मतलब 1.5 घंटा हो चुका है नहाते हुए, पूरी तरह गीले हो गए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है, यहाँ पे भीड़ नहीं है। मतलब अगर आप गोवा में जाओगे, गोवा में देखोगे तो इतना रश मिलेगा, और यहाँ गोकर्णा में मतलब कुछ लोग हैं तो मज़े तो आ गए। लेकिन अब ये कैमरे की एक दिक्कत हो गई, अगर ये कैमरा ऑन नहीं हुआ तो आगे की वीडियोज़ कहाँ से आएंगे। मैं बोल रहा हूँ चलते हैं, बाइक भी ठीक करानी है यार। मैकेनिक ढूंढेंगे ना, ऐसे बैठे रहेंगे तो कल क्या करेंगे फिर? आज का मजा कल की सजा। कल कैसे पहुंचेंगे आगे वो भी तो सोचना है। भैया आप मैकेनिक हो राइट? बाइक मैकेनिक। अभी देखते हैं, यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करके फिर निकलते हैं। टाइम हो गया 12 और एक कैमरा बंद हो चुका है, एक कैमरा पे ही चल रहा है अभी सब कुछ। सब सही चल रहा था लेकिन जब पानी में गया, वैसे तो GoPro वाटरप्रूफ होते हैं लेकिन क्या करें, अभी उसको सुखाया हुआ है पीछे, अभी तक तो ऑन हुआ नहीं है। चलो इसको सूखने दो। मैं रहता हूँ KR पुरम साइड में। ट्राई तो कर लो यार, ऐसे अच्छा नहीं लगता।
तो अभी सबसे पहले तो यहाँ से जाने वाले ओम बीच, क्योंकि यहाँ तो मैकेनिक मिलने से रहा अभी जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है गोवा। मतलब यहाँ से जाना पड़ेगा गोवा। वैसे तो अपना प्लान था कि हम निकलने वाले थे यहाँ से हम्पी और हम्पी से वापस बैंगलोर, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पहले जाना पड़ेगा गोवा, क्योंकि जो नियरेस्ट KTM का सर्विस सेंटर है वो है गोवा में। चलो, क्या बोल रहे हो? गैराज वाले का नंबर लिया था। गैराज वाले KTM का सर्विस सेंटर चाहिए ना, वो खड़ी ना उधर, वो वाली ख़राब है। कारवार जाना पड़ेगा सर। कारवार गोवा के रास्ते में आता है, वहाँ सर्विस सेंटर है। हाँ उधर है। ठीक है, फिर कल सुबह जल्दी निकल लेंगे, ठीक है, शाम में आते हैं वापस। तो अभी ये जो ओमकार है, मतलब जो यहाँ पे मैनेजर टाइप है रिजॉर्ट में, उसने बताया कि जो कारवार जगह आती है गोवा जाते वक्त रास्ते में, वहाँ पे KTM का सर्विस सेंटर है। अगर वहाँ पे सर्विस सेंटर मिल जाता है तो बस सोने पे सुहागा। फिर हम भी जाएंगे सीधा या गोवा जाएंगे? गोवा जाएंगे, बहाना बहाना चाहिए। तो बहुत भीड़ है भाई। इसको क्यों बोलते हैं ओम बीच? क्यों? इस ये जो बीच है ना वो ओम की शेप में, ओम लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ जी? अब उसके लिए ड्रोन चाहिए, कहाँ से दिखाऊं? देख कितनी बोट खड़ी है। बात करेंगे ना किसी से, पूछेंगे। बोट राइड क्राइसिस, दो ही है हम, दो ही तो दिख रहा है। ग्रुप ले जाने वाला पड़ता है। नहीं, आपके पास कोई छोटी बोट है तो बताओ। नहीं सर, पूरा बड़ा वाला बोट है, 15 आदमी बैठ सकते हैं। 15? यार बाकी 13 आदमी हम कहाँ से लाएंगे? दिक्कत है, थोड़ा टाइम वेटिंग करना। कितना लोगे आपको? 300 पर हेड होते। 300 पर हेड? दो लोगों के कितने लोगे आपको? दो लोग 4000 दे दो, आपके लिए जाएगा। एक्चुअली 4500 है, मैं 500 लेफ्ट किया, आपके लिए जाएगा, वेटिंग नहीं करेंगे। 4000 ज्यादा हो जाएगा ना यार। नहीं है ना, ये बोट रहता है आपको, दो आदमी लेके जाएगा। 2000 देंगे? 3500 में बोट लेके गोवा ही नहीं चले जाए बाइक डाल के उसमें? और क्या है यहाँ पे देखने लायक? देखने के लिए वो दो जगह है, आप उन पे पैराडाइज पे तुम तक ट्रैकिंग करके जाएगा। ट्रैकिंग करके बोट जाएगा। बोट बहुत 4000 बोल रहा है। 4000 बोला, 300 रुपये वो बोला कि अगर 15 लोग लेके आओगे तो 300 लूंगा। 15 लोग लेके आए तो 300 रुपये, तुम सिर्फ एक ही बोट जाएंगे तो तुम सबके लेंगे 400। 15 कहाँ से लेके? अब चलो इवनिंग टाइम जाओ। अच्छा है, इवनिंग चलो मामा, अब तो चलो। लेकिन कितना? $3,200 बहुत ज़्यादा है यार, आप दो लोगों के बताओ। देखो सर, 4500 ट्रिप होता है। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। आ जा, 2000 कर लो यार, ऐसे ही करते यार। देखो अगर उसकी बोट जाएगी 2000 में तो वो मुझे बोलेगा पलट। अगर 2000 में लेके जा रहा हूँ तेरे को, वहाँ खड़ा करके कहीं फेंक के आएगा पक्का। ऐसे थोड़ी होता है, तू पागल है, ज़्यादा ज़्यादा क्राइम पेट्रोल देख रहे तू। आ जाओ, कहाँ बैठेंगे बस? ये सबसे जरूरी काम था। आपका नाम क्या? महादेव। तैरना आता आपको? स्विमिंग? स्विमिंग है। मेरे को नहीं आता, अगर कुछ होता हो बचा लेना। थैंक यू। ऊपर एक बार जब गिरते ना भैया, कुछ समझ में नहीं आता ऊपर का नीचे का। ये कौन सा बीच है? हाफ मून। हाँ नाम सुना था। कोई भी नहीं है यहाँ तो। अभी नीचे नहीं उतरना इधर?
खाली ऊपर ऊपर से। तो पहला आ गया हाफून, इसके बाद आई थिंक आएगा पैराडाइज। डॉल्फिन कहाँ है? डॉल्फिन तो अगर किस्मत में हो तो डॉल्फिन भी दिख जाए, हमको तो दिखी नहीं। कौन सा पैराडाइज बीच? इस पे भी नहीं उतरोगे? मतलब जितने भी बीचेस है सारे ट्रैक करके आने यहाँ पे, तो यहाँ भी नहीं उतरना नीचे? नीचे कहीं नहीं उतारोगे? बोर्ड में बिठा के सब? क्या हो गया भैया, बंद हो गया? अच्छा ये लाइट हाउस है, ये समुद्र है, नदी और समुद्र कलर अलग अलग दिखते हैं, नदी का समुद्र का अलग। हाँ वो छोटा वाला, वो वाला उसमें एक केव है। जाएंगे क्या वहाँ? जा सकते हैं तो ठीक है, चलो कोई नहीं। अरे मेरे को ये बताओ गोवा किस तरफ है, उधर या इधर? पीछे की तरफ है। ओके हो गया, बस इतना ही था। यार ये तो बहुत हिल रही है यार। वो अंकल आप कर रहे हो या ऐसे हिलता है? तुझे क्या लग रहा है अंकल ऐसे स्टीयरिंग को ऐसे ऐसे कर रहे हैं? आगे रुक के फोटो खींच सकते हैं वहां पे, जा सकते हैं सर। ये गिरेगा, इसको पकड़ो, ये गिरेगा। भाई साहब और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, क्या कर रहे हो? ये बहुत ही खतरनाक, मतलब जो ये काम कर रहे हैं, ये साथ में ऐसे दो लोग हो तो ही करना, अकेले तो करोगे तो पक्का गिरे मिलोगे। भाई बहुत ज्यादा हिल रही है यार, आ ना यार बन चल इधर आ। अभी दो लोग खड़े हो जाएंगे तो थोड़ी ना टाइटैनिक की तरह उठ जाएगी। कैमरे में नहीं पता चल रहा होगा लेकिन ये जितनी हिल रही है, क्या हो गया? नहीं वो घुई घुई रेस दे रहे, देखो। डोंट टेल मी कि बोर्ड भी खराब हो गई बैठ पे ही। पहुंच गए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 मिनट्स की राइड होगी। 40-45 मिनट में जितने भी बीचेस थे सारे के सारे घुमा दिए, अब वापस आ गए ओम बीच पे। हाँ जी, तो निकल लिए है अभी ओम बीच से, अभी जा रहे हैं वापस अपना जो भी रिजॉर्ट था। 2 लीटर नहीं, 5 चाहिए, 5 ठीक है। कितना दूं? 25 रुपीज। तो ये पेट्रोल की तस्करी इसलिए चल रही है, ये चल रही है अपनी दूसरी KTM के लिए, मतलब जो बाइक बंद हो चुकी है, तो कल सुबह उसको लेके जाना है गोवा। तो अब वहाँ से जंप स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ के चाबी बंद करेंगे, फिर जंप स्टार्ट करेंगे। इतना सब झंझट करने से अच्छा एक तो फुल करा ली, दूसरे का ले लिया। अभी सबसे पहले ये पेट्रोल उसमें डाल देंगे, अभी इसको आगे रखेगा, इसको रख दे पकड़ के बैठ। इसको पकड़ तो मैं आगे का, एक बार तू आगे तो रख, अच्छा लगेगा। हाँ अब ऐसे हैंडल ले। तो बाइक तो हो चुकी है रेडी, रेडी मतलब कि हमने पेट्रोल डाल लिया है कि कल सुबह जब यहाँ से निकले तो सीधा रुकेंगे गोवा। गोवा यहाँ से होगा लगभग 150 किलोमीटर्स और टाइम तो लग जाते 3-4 घंटे पता नहीं। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारा प्लान था हम जाने वाले थे हम्पी, अगले 2 दिन का स्टे हमारा था हम्पी में, लेकिन ये सब कांड होने के बाद हमको तो मौका मिल गया, मौका क्या, हमको तो बहाना चाहिए था गोवा जाने का, जाके बाइक भी ठीक करा लेंगे और 1-2 दिन वहाँ पे टाइम पास करके फिर निकल जाएंगे हम्पी और हम्पी से नेक्स्ट डे बैंगलोर। तो ठीक है आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर यहाँ तक देख लियो तो लाइक ज़रूर कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो तो बेल आइकन दबा दो, और अगर दोनों काम कर रखे हैं तो एक छोटा सा कमेंट कर दो। अब आगे का तो प्लान कुछ नहीं है क्योंकि शाम के 4:30 हो चुके हैं, अभी जाके फ्रेश फ्रेश होंगे और उसके बाद मतलब रिजॉर्ट के सामने ही इतनी अच्छी लोकेशन है तो कहाँ क्यों जाना, मतलब यहाँ तो हम आराम से रात के 12-1 बजे तक भी बैठ सकते हैं, तो वही करेंगे। चलो फिर बाय बाय, टाटा, खत्म। मैकेनिक का तो नंबर ही नहीं दिया। हेलो।
हेलो सर्विस सेंटर है राइट बाइक सर्विस सेंटर अरे नहीं है आप मैकेनिक हो राइट अरे का अरे देवा रे देवा मारुति यस टीम टाटा सब गैराज में मिलता है घर में नहीं कूतरे साला देख के नंबर डाल कर ये खूब साले कौन दिया है नंबर एक और बार लगाओ उससे पूछ हेलो बाइक मैकेनिक रख तेरी माँ की रख एक तो इधर जान जा रही है तेरे को घर आदमी सोच रही है